इंदौर में मासूम बच्चों का अपहरण कर भिक्षावृत्ति करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खजराना थाना पुलिस ने रीना नामक महिला को गिरफ्तार कर 5 बच्चों को बरामद किया है। दरअसल 2 दिन पहले शाहीबाग निवासी शेख अनवर का 8 वर्षीय बेटा अरमान और 10 वर्ष की बेटी हुस्ना लापता हो गए थे, जिनकी शिकायत परिजनों ने पुलिस को की थी और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्चों की तलाश शुरू की। तभी पुलिस को सूचना मिली कि बच्चे नौलखा क्षेत्र में एक महिला के साथ देखे गए हैं। सूचना पर पुलिस ने 45 वर्षीय रीना को गिरफ्तार किया है और महिला के कब्जे से अरमान और हुस्ना के अलावा 3 बच्चियों को बरामद किया है, जिनके माता पिता का पता नहीं चल पाया है। उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। TI के मुताबिक पूछताछ में रीना ने पहले खुद को बच्चों की माँ बताया, लेकिन उम्र का अंतर देख उसकी बात गले नहीं उती और उसके पति को बुलाया गया तो उसने कहा कि वह रीना को 1999 में ही छोड़ चुका है। पुलिस ने बच्चों को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया है और उससे बच्चों और अपहरण के तरीके के बारे में पूछताछ चल रही है। थाना क्षेत्र में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें 2 नाबालिग बच्चे भाई बहन घर से गायब थे। उस पर अपहरण का अपराध पंजीबद्ध हुआ था और उसकी गंभीरता से विवेचना हमारी टीम कर रही थी। तो उस पर सूचना ये मिली थी कि बच्चे किसी महिला के साथ हैं, जो कि नौलखा बस स्टैंड पर भीख मांगने का कार्य करती है। तो उसकी हम लोग तलाश लगातार कर रहे थे, देवास, ओंकारेश्वर सब जगह उसकी तलाश की गई। बाद में बच्चे महिला के पास मिले हैं और दोनों बच्चे को रेस्क्यू कर लिया है। बच्चे स्वस्थ हैं और उनके साथ वैसे तो किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। अभी उनके द्वारा बताया गया कि वो भीख मांगने का कार्य कर रहे थे, तो उस पर से हम लोगों ने जो है प्रकरण तो पंजीबद्ध था, उसमें धाराएं बढ़ाई हैं किशोर संरक्षण अधिनियम की और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, महिला से पूछताछ भी कर रहे हैं। महिला के पास 3 बच्चियां और भी मिली हैं जो कि नाबालिग हैं, 3 बच्चियाँ, उसमें से 1 बच्ची के बारे में जानकारी मिली है, उसके परिवार के लोग मिल चुके हैं और बाकी 2 बच्चों की भी हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं। और अभी हम लोगों ने बच्चों को जीवन ज्योति में बालिकाओं को रखा है और इस्नेलतागंज में जो अरमान सेंटर है वहाँ पर बच्चों को रखा है। सर, कहाँ पर ये ले जा रही थी, कहाँ थी, लोकेशन किस तरह, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला था, इसमें खजाना थाना पुलिस की काफ़ी सतर्कता इसमें देखने को मिली है, तो कैसे सर उसको पता पुलिस ने पता किया कि किस तरह वो महिला पहले नौलखा की, आप जिस तरह पता चला कि नौलखा गई, उसका ओंकारेश्वर तक बच्चों को लेके गई। देखिए, बच्चों के मामले में जो है इंदौर पुलिस पहले से बहुत सतर्क है, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे लगातार इसमें हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि मामला बच्चों से जुड़ा होता है। तो उसी कड़ी में इस मामले में हम लोगों ने देवास में भी जो माताजी की टेकरी है वहाँ पर भी बहुत 2 दिन तक डेरा डाल रखा हमारी टीम ने, तलाश की और फिर बाद में कुछ जानकारी ओंकारेश्वर की मिली थी और बच्चों से भी बातचीत भी पता चला कि ये ओंकारेश्वर भी गए थे, वहाँ पर भी भिक्षावृत्ति उन लोगों ने की थी। तो उसी वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।